वो राकेश जी थे जो घर टूटे थे उनका हमने वो दिलाए थे प्लॉट, और जो हमने कॉलोनियाँ भी पास कराई थी, ऐसे तो कॉलोनियों के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन राकेश जी एक ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने कॉलोनियाँ पास कराई थी 21। तो काम मेरे परिवार मेरे क्षेत्र को पता है कि राकेश जी ने क्या कार्य कराए थे, तो अब उसका श्रेय कोई और ले तो मेरी जनता को मेरे परिवार को पता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है और चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव की ओर है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी ओर से हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में दौलताबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी आज अपने उन हर मतदाताओं से फिर से मिलना चाह रही है जिनसे पहले भी मिल चुकी है, लेकिन अंतिम दौर में वो उनसे फिर से मिलके निवेदन कर रही है कि उनके पक्ष में वो मतदान करें। इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद आज कादीपुर गांव में पहुंची, जहां उपस्थित जन समूह ने उन्हें काफी प्यार और सम्मान दिया। यहाँ ढोल और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, उनके साथ उनके बेटे भी थे। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले जहाँ महिलाओं और बेटियों ने उन्हें तिलक लगाकर उनका वेलकम किया, तो वहां हर महिला उनके गले में फूलों का हार डालने के लिए आतुर थी। पुष्प वर्षा हो रही थी, उनके बेटे को क्षेत्र के सम्मान की पगड़ी से नवाजा गया, क्योंकि राकेश दौलताबाद ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए वो सब कार्य किए थे जो कि नामुमकिन माने जाते थे। क्षेत्र के लोग जब भी राकेश दौलताबाद के पास जाते थे वो कभी ना नहीं करते थे और उनके काम के लिए सदैव तत्पर भी रहते थे। यही वजह थी कि आज वो कर्ज उतारने के लिए क्षेत्र की जनता लगातार उनके साथ जुड़ती जा रही है, जन समूह उन्हें प्यार और समर्थन दे रहा है। वहीं उपस्थित जन समूह ने कुमुदनी राकेश दौलताबाद को लड्डुओं से तोलकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, क्योंकि राकेश दौलताबाद के बाद अब वही है जो क्षेत्र की कमान संभाल रही है। वहीं कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने भी इन सभी का ना केवल धन्यवाद किया बल्कि ये भी बताया कि 5 को जो चुनाव होने हैं उससे पहले वो सभी से पहले भी मिल चुकी हैं और एक बार फिर से उनके बीच में आई हैं, उन्हें मतदान के लिए अपील कर रही हैं। मैं इतना कहूंगी कि जैसे राकेश जी आपके बेटे आपके भाई हमेशा आपके बीच में थे, वैसे आपकी बेटी बहू हमेशा बीच में मिलेगी, और जब आपको बेटे का कमी महसूस होगी तो मेरे दोनों बेटे आपके बीच में खड़े मिलेंगे, और मैं आशा करती हूं कि मेरा परिवार मुझे भी उतना सहयोग और आशीर्वाद देगा जितना आप अपने बेटे को देते थे। तो 5 अक्टूबर को 8वें नंबर पे मेरे परिवार ज्यादा से ज्यादा बाल्टियों को जोड़ेगा, एक बाल्टी के साथ कम से कम 10 बाल्टियों को लेके जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा परिवार मेरे लिए इतना करेगा। भवानी एन्क्लेव के कुछ मकानों को तोड़ा गया था फ्लाईओवर के लिए, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी ने उन पर सवाल किए थे और ये भी कहा था कि उनकी सत्ता आने के बाद वो उन लोगों को नए मकान देंगे। तो उस पर जवाब देते हुए कुमुदनी ने साफ कहा कि जिन लोगों के मकान टूटे थे उनका मुआवजा भी दे दिया गया था, उन्हें बदले में जमीन भी दे दी गई थी और वो इससे काफी खुश थे, लेकिन आज राकेश दौलताबाद ना होने की वजह से कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो राकेश जी थे जो घर टूटे थे उनका हमने वो दिलाए थे प्लॉट, और जो हमने कॉलोनियाँ भी पास कराई थी, ऐसे तो कॉलोनियों के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन राकेश जी एक ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने कॉलोनियाँ पास कराई थी 21। तो काम मेरे परिवार मेरे क्षेत्र को पता है कि राकेश जी ने क्या कार्य कराए थे, तो अब उसका श्रेय कोई और ले तो मेरी जनता को मेरे परिवार को पता है। कुल मिलाकर राकेश दौलताबाद के बाद आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद जिस लिहाज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है उससे तो यही लगता है कि उनकी विधानसभा का सफर काफी आसान है, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि आने वाली 5 तारीख को वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।